अगर हम कॉमेडी किंग की बात करें तो चाहे कॉमेडी की हम बात करें, चाहे हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, हर क्षेत्र में जहां भी राजू श्रीवास्तव ने कदम रखा अपनी एक अलग धमक, अपनी एक अलग धाक उन्होंने दिखाई। लेकिन अब देखिए उनका पूरा प्रोफाइल भी हम आपको बता देते हैं तो किस तरीके से राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। और हमारे साथ अविनाश भी लगातार बने। अविनाश, अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव के जीवन की, तो चाहे राजनीति की बात कर लें, टीवी इंडस्ट्री की बात कर लें, कॉमेडी की बात कर लें, हर जगह वो पहुंचे और हर जगह एक अपना नाम बनाया, एक कद बनाया उन्होंने। तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर यह है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 41 दिनों से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, जिम में कसरत के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया। लगातार डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे कि उनको होश में लाया जाए, लेकिन तमाम जो कोशिशें थीं वो आज पूरी तरीके से विफल हो गई और देश इस खबर को सुनने के बाद सदमे में है। दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज 42वें दिन उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। और देखिए 59 साल के राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से इस वक्त हास्य जगत और बॉलीवुड जो कलाकार हैं उनमें शोक की लहर जरूर होगी और एक बड़ी क्षति भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस जगह से आते थे, कानपुर से अवधेश राजू श्रीवास्तव का नाता रहा, वहीं पर उनका जन्म हुआ 1963 में 24 दिसंबर को। और बचपन से ही कहा जाता था कि बहुत ही हसमुख थे, रोजमर्रा की जो चीज़ें थी उस पर बहुत फोकस करते थे और उसमें क्या कॉमेडी का एंगल हो सकता है उसको लेकर वो बहुत सजग रहते थे। और इसी वजह से उन्होंने अपने करियर परसेप्शन से अगर देखिए तो उसे करियर की तरह उन्होंने चुना भी। और अब जब निधन की खबर आ रही है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, 41 दिन तक अस्पताल के बेड पर रहना, जिंदगी और मौत के बीच जूझना, और ऐसा लग रहा था जब वेंटिलेटर से शिफ्ट किया गया तो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो कम बैक करेंगे, एक बार फिर से हम उन्हें देख पाएंगे। और कैसा उनका एक्सपीरियंस ये रहा पूरा, जिम में वर्कआउट करने के दौरान वो गिरे थे, हार्ट अटैक की बात सामने आई थी और उसके बाद उनको जब एम्स में भर्ती करवाया गया तो कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन ऐसा लगा कि जब कमबैक करेंगे तो वो तमाम जो उनका अनुभव है वो भी हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन अब वो उम्मीद कहीं ना कहीं बेमानी हो गई, अब वो उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि जो निधन की खबर निकल कर सामने आई है बहुत दुखद है। और इस वक्त ना सिर्फ ये परिवार के लिए दुखद है बल्कि ये पूरे देश के लिए दुखद है, क्योंकि एक ऐसे कलाकार को हमने खो दिया जिसकी वजह से हमने हास्य को एक करियर के रूप में देखा है। उसके बाद से देखे कितने बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने इसे अपने करियर के तौर पर लिया है, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना, उस पर क्या नजरिया हो सकता है। एक कनपुरिया जो उनका अंदाज था वो भी बहुत फेमस था। और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक जब उनको आया उसके बाद कहा जा रहा था कि शरीर में कोई हलचल नहीं है, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक रखा गया, बीच में ऐसी अफवाहें भी आई कि उनका निधन हो गया है, लेकिन परिवार ने इस बात की पुष्टि की कि नहीं, वो इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिंदगी से जूझ रहे हैं और कम बैक करेंगे। ये बहुत बड़ी उम्मीद थी और ऐसा लग भी रहा था कि वो वापस आएंगे। तमाम दुआओं का दौर भी हमने देखा और जितने भी कॉमेडियंस हैं उन्होंने राजू श्रीवास्तव के लिए जाकर वहां पर एम्स में मुलाकात करने के बाद कुछ वीडियो भी उन्होंने साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी भी राजू श्रीवास्तव को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोल उठेंगे, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद अब कहीं ना कहीं टूट चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से सहयोगी रतीश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। रतीश, क्योंकि कानपुर जिले में ही जन्म हुआ था राजू श्रीवास्तव का, क्या जानकारी, जो कुछ भी प्रमुख और महत्वपूर्ण जानकारी हो साझा कीजिए दर्शकों से। देखिए, कानपुर शहर में जन्मे पले पढ़े राजू श्रीवास्तव ने शोहरत की उन बुलंदियों को हासिल किया था जिसे आम लोग, जिसे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। राजू श्रीवास्तव पिछले काफी दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये दुखद है और कानपुर वासियों ही नहीं देशवासियों के लिए काफी ज्यादा दुखद खबर है। कानपुर में जब भी राजू श्रीवास्तव से मुलाकात होती थी, बात होती थी, तो वो एक जिंदा दिल इंसान की तरह बिहेव करते थे, व्यवहार करते थे और हमेशा जिंदगी को सलाम करते थे। लेकिन आज ये दुखद खबर आने के बाद राजू श्रीवास्तव के परिजनों से हमारी बातचीत हुई है।
वो भी काफी ज्यादा दुखी हैं, उनके प्रशंसक और उनके मित्र भी काफी ज्यादा दुखी हैं। फिलहाल परिवार में कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो उनके मित्र हैं वो काफी ज्यादा गमजदा हैं और दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रतीश, जिस तरीके से ये खबर आई है, 42 दिन आज हो गए, हर जगह दुआएं चल रही थी, बीच में जब ये जानकारी आई थी कि उनको होश आया है और उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई थी और कानपुर के लोग तो बेहद खुश थे, जो टीवी इंडस्ट्री जुड़े हैं वो बहुत खुश थे, लेकिन वो तमाम जो उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राजू श्रीवास्तव जब बीमार होकर के अस्पताल में भर्ती हुए थे उसके बाद से राजू श्रीवास्तव के लगातार दोस्त मित्र परिजन यहाँ पर हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी दुआ उनके लिए दुआ कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द स्वस्थ हों और एक बार फिर से वापसी करें, लोगों को गुदगुदाएं। राजू श्रीवास्तव के जो स्टैंड अप कॉमेडी थी उसको हर कोई सलाम करता था, अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट और उनकी कॉमेडी करके राजू श्रीवास्तव ने ये वो काम हासिल किया, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उनकी इस कॉमेडी के काफी फैन हुआ करते थे। इसके बाद तमाम जो ये कहा जा सकता है कि सफलता की सीढ़ियां राजू श्रीवास्तव ने गढ़ी और पाई, कानपुर से उनका नाता रहा और कानपुर में ऑर्केस्ट्रा में लोगों को गुदगुदाने से लेकर के और एक सफल स्टैंड अप कॉमेडियन बनने तक का उनका सफर यादगार रहा है। परिजन भी काफी उनके संघर्ष में साथ रहे, उनके दोस्त मित्र जो साथ रहे वो बताते थे कि किस तरह से राजू ने संघर्ष किया और मुंबई जाकर के संघर्ष को ही अपना रास्ता बनाया और कई वर्ष बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। लोग दुआ कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव एक बार फिर से लौट कर आएंगे, उनको गुदगुदाएंगे, उनको हंसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुखद समाचार है कानपुर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए। उनके दोस्त जिनसे हमारी बातचीत हुई वो काफी ज्यादा दुखद है और ज्यादा कुछ कह पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं देखते। जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।